नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ के 5 क्वेश्चन जो SSC GD एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा। तो गाइस, हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है, तो जैसे कि दिया हुआ किसी शहर की जनसंख्या 189,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं, ओके, और बाकी जो बची हुई हैं शेष महिलाएं हैं। और आगे क्या कह रहा है कि 50% जो पुरुष हैं वो विवाहित हैं, मतलब 50% जो मेल होंगे वो विवाहित होंगे और जो 50% होंगे वो अविवाहित होंगे, ओके। तो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि दो ऑप्शन दिए हुए हैं, विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज बताना है और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताना है। तो हमें पता है कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो 189,000 है, ओके। तो क्या करना है, और उसमें दिया हुआ है 4/9 मेल की संख्या, ओके। तो 4/9 जो हमें दी हुई है मेल की संख्या है, मतलब इसमें मतलब टोटल जनसंख्या में 4/9, ओके। तो हमें पता है 100% होती है, तो 100% बराबर क्या है दिया हुआ है, 9/100%, ओके मान लेते हैं। मतलब 9 में से 4 पुरुष हैं, और जो 9 में से 4 अगर घटाते हैं तो कितना बचता है, 5, तो 5 हमारी महिलाएं हो जाएंगी। नीचे दिया गया है, मैंने आपको बताया है, तो 4 पुरुष होंगे, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो बाकी जो बची हुई हैं वो महिलाएं हो जाएंगी। टोटल पॉपुलेशन है जिसमें 4 मेल हैं और 9 पॉपुलेशन हो जाएगी जनसंख्या। अब क्या कह रहा है कि 50% जो पुरुष हैं वो विवाहित हैं और 50% अविवाहित हैं, ओके। तो क्या कह रहा है, हम लोग 4 का 50% निकाल लेंगे विवाहित के लिए। तो 4 × 50/100, 10 से 10 ये कटा, 5 से ये 10 काटेंगे 2, फिर 2 से ये 4 काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ओके। तो हमें पता है कि 5 फीमेल हैं, ओके। तो 5 जो फीमेल हैं जिसमें 2 जो बचे हुए पुरुष, 4 जो पुरुष थे, तो 2 पुरुष विवाहित हो गए, 2 पुरुष अविवाहित हो जाएंगे, ओके। तो देखिए दोस्तों, एक पुरुष की शादी एक ही महिला के साथ होगी, तो 2 पुरुषों की शादी कितनी महिलाओं के साथ होगी, 2, मतलब 2+2 कितना हो जाएगा, 4। तो टोटल जो हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो अनमैरिड कितने होंगे, अनमैरिड कितने होंगे, 2 इसके हो जाएंगे, तो और 3 इसके हो जाएंगे, क्योंकि 5 में से अगर 3 2 घटाते हैं तो 3 ही तो बचता है, तो अनमैरिड हो जाएंगे 5। तो हमें निकालनी है कि विवाहित पुरुषों की जनसंख्या, और देखिए मैंने आपको बताया था ऊपर, विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज बताना है हमें, ओके। उसके बाद विवाहित महिलाओं का परसेंटेज बताना है। तो विवाहित जो पुरुष हैं, पुरुष महिला कितने, 4, तो जनसंख्या कितनी हो गई, 4 हो गई विवाहित के लिए। तो हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4/9 का हो जाएगी टोटल पॉपुलेशन, मतलब कितने में से 4, मतलब कितने में से कितने हैं, तो 100 में से 4 हो जाएगा, तो 4/9 × 100 परसेंटेज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 400/9, 9 का डिवाइड करेंगे 400 में, तो कितना होगा, 44 से 4/9% आ जाएगा। आगे कह रहा है कि विवाहित महिलाओं की, तो विवाहित कितनी थी, 2, तो 2/5, क्योंकि जो महिलाएं थी टोटल कितनी थी, 5, तो 2 में से मतलब 5 में से 2 महिलाएं बची हुई हैं, तो 2 ऊपर लेकर रखेंगे, और जो डिनोमिनेटर हर में रखेंगे वो कितने में से, मतलब 5 में से 2, तो 5 को नीचे रखेंगे, तो 5 × 100 परसेंटेज निकालना है। तो 5 से ये काटेंगे 20, 20 का 2 में मल्टीप्लाई, तो 40% हमारा हो जाएगा आंसर। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि ए व बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ओके। ए और बी किसी काम को साथ में कर रहे हैं, ओके। अब आगे क्या कर रहा है, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, मतलब कुछ दिन तक तो साथ काम किया ए ने, और उसके कुछ दिन बाद ए जो है काम छोड़कर चला जाता है, तब जो बचा हुआ जो काम होता है वो बी जो है 9 दिन में ख़त्म करता है। कह रहा है कि बा पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ, बचा हुआ काम नहीं, बा पूरा काम 9 दिन में ख़त्म होता है, ओके। आगे कह रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए बा बी काम को क्रमशः 10 बा 15 दिन में करते हैं। देखिए दोस्तों,
ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा 30, जो कि हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब क्या करेंगे, ए और बी का एक दिन का वर्क निकालेंगे, तो 10 का डिवाइड करेंगे 30 में तो एक दिन का वर्क आ गया 3। अब 15 का डिवाइड करेंगे 30 में तो एक दिन का वर्क आ गया बी का 2। तो ए का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 3 और बी का जो वन डे वर्क हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों क्या होता है, अब हम लोग देख लेते हैं ए प्लस बी। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले बी के लिए देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ए काम छोड़ कर चला गया तो बी को काम करना पड़ता है, जो काम होता है वो 9 दिन में पूरा होता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि बी कितना काम करता है। ओके, तो ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है दोस्तों, तो बी का एक दिन का काम कितना है 2, और वो करता है 9, मतलब पूरा काम जो होता है 9 दिन में पूरा होता है। तो हम लोग एक दिन के काम में, एक दिन का काम में टोटल दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बी का काम आ जाएगा, तो 9 × 2 हो जाएगा। तो बी कितना काम करता है 18, तो ए के लिए कितना काम बचा होगा, तो टोटल वर्क जो हमारा 30 है उससे हम लोग बी के काम को घटा देंगे। ओके, क्योंकि ए काम छोड़ के चला जाता है ना, तभी तो बी काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 - 18 तो कितना बचा 12। ओके, तो 12 यूनिट काम करता है ए, उसके बाद काम छोड़ के चला जाता है। ओके, तो बी मतलब आगे क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है कि ये रहा, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, वह पूरा इतने में होता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था ये पता पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ए काम करता है उसमें से उसके एक दिन का काम डिवाइड कर देंगे, तो 12/3 हो जाएगा, तो 3 से ये काटेंगे तो 4, तो 4 डेज में काम ए करता है। ओके, तो मतलब जो ए काम जो छोड़ के जाता है, किसी काम को छोड़ के जाता है, वो 4 दिन बाद छोड़ के जाता है। ओके, 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़ के चला जाता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा बोट एंड स्ट्रीम का है कि एक नाव व धारा के साथ 21 किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। एक नाव कोई बोट है वो साथ में चलती है और विपरीत भी चलती है, तो पानी की चाल हमें बतानी है। दैट्स केस, इन दिस केस, तो दोस्तों हमें पता है कि नाव की जब चाल होती है धारा के साथ, मतलब पानी के साथ, मतलब जहाँ धारा जा रही है उधर बोट भी जा रही है, तो क्या होती है, चालें दोनों ऐड हो जाती हैं। ओके, ये आपको पता होगा। अब जो ये धारा जा रही है कोई, मतलब पानी ये बह रहा है, इसके विपरीत अगर कोई बोट जाए तो जो चालें होती हैं वो घट जाती हैं। इन दैट केस तो हम लोग क्या करेंगे, नाव के साथ धारा है, एक नाव है धारा के साथ चल रही है, मतलब बोट बी हो गया और पानी डब्लू हो गया, क्योंकि हमें पानी की चाल भी तो बतानी, धारा की चाल मतलब, तो बी प्लस डब्लू क्या हुआ, 21 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब विपरीत आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बी माइनस डब्लू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, डब्लू से डब्लू काटा तो 2b = 21 + 9 कितना हो जाएगा 30, और 2 से ये काटेंगे तो हमारा बी बराबर कितना हो जाएगा 15, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी बोट चल रही है। ओके, अब हमें धारा पानी की चाल बतानी है, तो हम लोग बी का मान पहले समीकरण में रख देंगे, तो बी प्लस डब्लू कितना दिया हुआ 21, बी का मान कितना है 15 + w = 21। अब हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो w = 21 - 15, तो w का मान क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, तो w = 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों बनता है कि एक आदमी है किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। ओके, अगर भाई इसको 42 मतलब 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे जो प्रॉफिट होता 13% का प्रॉफिट होता, तो उसको हमें बताना है प्रारंभिक क्रय मूल्य। आपको दोस्तों पता होगा सीपी को हमेशा हम लोग 100 मानते हैं, मतलब क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं। ओके, और जब लाभ होता है तो उसमें हम लोग क्रय मूल्य को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है सेलिंग प्राइस। अब जब लॉस होता है तब उसमें हम लोग लॉस घटा देते हैं, तब भी वो हमारा बन जाता है सेलिंग प्राइस। ओके, अब क्या कह रहा है, 100 तो हमारा ये सीपी हो गया, मतलब क्रय मूल्य हो गया, तो क्या कह रहा है 7% लाभ पर बेचता है, तो 100 में हम लोग 7 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 107, क्योंकि बेचता है, बेचने के लिए क्या होता है विक्रय मूल्य, या कह सकते हैं सेलिंग प्राइस। अब कहता है कि अगर भाई इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता,
तो हम लोग 100 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113% या 113 कह सकते हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 4,248 रुपये के बराबर। ओके, क्योंकि जब 107 प्राइस थी तब तो उसे 7% का लाभ होता, तब जब उसने 107 से 113 किया तब उसे इतने में बेचना पड़ रहा है, तो मतलब कितना बड़ा है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4,248। ओके, तब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42, सॉरी 4,248/6, तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 708। तो हमें प्रारंभिक क्रय मूल्य बताना है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य हमें कितना दिया होता, 100% मानते थे हम, तो 100 में 708 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 70,000, सॉरी 70,800 रुपये हो जाएगा हमारा। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि ए बी सी की जो टोटल आय है, इनकम है, वो 6,060 रुपये। ओके, व उनका जो खर्च क्रमशः दिया हुआ है 80%, 85% व 75% है, मतलब खर्च करते हैं, और उनकी जो सेविंग्स मतलब बचत का अनुपात दिया हुआ है 5:6:9, तो हमें ए की आयु बतानी है। ओके, तो हमें देखिए खर्च हमें क्रमशः दिया हुआ है 80%, 85% और 75%। ओके, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 80/100 काटेंगे तो 4/5। ओके, मतलब क्या कह रहा है, हम लोग टोटल इनकम को कितना मानते हैं, 100%, तो जो कि हमें दी हुई है टोटल वैल्यू कितनी, 6,060 रुपये। ओके, तो 100% मानते हैं, तो देखिए खर्च में क्या आ रहा है, तो ये हमारी आय हो जाएगी 5 और ये खर्च हो जाएगा, तो मैंने आपको नीचे बताया 4/5 में क्या है, 4 हो जाएगा खर्च, 5 हो जाएगा हमारी आय। इसी प्रकार 85% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को, तो 85/100 काटेंगे 7/20, तो 7 हो जाएगा खर्च और 5 हो जाएगा हमारी आय। इसी प्रकार 75% को करेंगे तो 75/100, तो 3/4 हो जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन 3 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा खर्च, और 4 जो हो जाएगा वो हमारी आय हो जाएगी। ओके, क्योंकि अलग अलग जो उनका जो खर्च का जो परसेंटेज दिया हुआ था उसको हम लोगों ने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया था। ओके, अब क्या कह रहा है, तो उनकी बचत कितनी होगी, देखिए दोस्तों अगर उसने 5 से 5 में से अगर 4 घटा दिया, मतलब आय थी 5 और 4 खर्च कर दिए, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा बचत, 1। इसी प्रकार हम लोग 7 से 5 घटाए देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, फिर 4 से 3 घटा देंगे, ओके, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो उनका जो बचत आ गया 1, 2, 1, अब हमें ऊपर दे रहा है देखिए, तो उनकी बचत का रेशियो कितना है, 5:6:9। ओके, तो हम लोगों ने लिख लिया बचत का रेशियो 5:6:9। ओके, अब क्या करते हैं दोस्तों, बचत में 1 की वैल्यू कितनी है, देखिए रेशियो दिया हुआ है, ये देखिए मैंने ऊपर क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ था, बचत यहाँ पे 1 निकल रही है, तो 1 बराबर किसके, 5 के, और 2 बराबर किसके, 6 के, और 1 बराबर इसके लिए 9। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, 1 बराबर 5 है तो यहाँ से हम लोग आय, देखिए ये आय 5 है, इसकी भी 5 है और इसकी 4 है, ओके सॉरी गाइस, ये हो जाएगा 20 है इसकी आय। ओके, तो क्या करेंगे, पहले के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 5 × 5 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, जब 2 की वैल्यू हमें 6 पता है रेशियो में, तो आय कितनी हो जाएगी हम, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो आय कितनी दी हुई थी, 20, तो 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 40। ओके, अगला दिया था 1 की वैल्यू 9 है, तो आय कितनी हो जाएगी, 4 × 9 तो 36। अब देखिए दोस्तों बचत का रेशियो हमें दिया हुआ था, अब आय का रेशियो कितना हो जाएगा, 25:40:36। ओके, अब क्या करेंगे, हमें आय पता है कितनी है, 6,060 रुपये, तो इन सभी को ऐड कर लेंगे हम लोग, तो मतलब 101 की यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6,060 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6,060/101 काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर 60। देन हमें ए की आयु बतानी है, तो ए की आय देखिए कितनी है, रेशियो में हमें दी हुई है 25, जब 1 यूनिट की वैल्यू है 60 तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × 60 तो कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये, तो ए की आय जो हो जाएगी 1,500 रुपये। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको इसका
और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइए, तो मैं इसका अगला पार्ट प्रोवाइड करा दूंगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।